नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिसाई। देख लेते हैं आज की इस खास खबर को। यह खबर है सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बगौता में स्थित ग्राम रोजगार सहायक और सचिव जब सरपंच के यहाँ से हस्ताक्षर कराकर अपने घर की ओर लौट रहा था, तभी एक दुकान पर वह खड़े हो गए और वहां पर कुछ दमंगों के द्वारा उन्हें रोका गया और रोकने के बाद उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद आज संगठन के लोग एकत्रित हुए, उनके द्वारा कामकाज को ठप कर दिया गया और कामकाज ठप करने के बाद यह मांग की गई कि इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि FIR कर दी गई है, लेकिन इनके विरुद्ध कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है जिससे कि ग्राम रोजगार सहायक और सचिव द्वारा काम पर जा सके, जिसको लेकर यह प्रदर्शन किया गया। सिविलाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बगौता के ग्राम रोजगार सहायक मनीष विश्वकर्मा और वह सचिव शिवनारायण पटेल के साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई, जिस संबंध में सिविलाइन थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है। मारपीट करने के बाद इन लोगों ने एकत्रित होकर के अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर के यहाँ पे आवेदन दिया है। वहीं SP साहब से मांग की है कि जल्द ही कार्रवाई की जानी चाहिए। हम कल अपने पंचायत से सरपंच के यहाँ परिवार सहायता के फॉर्म पे दस्तखत कराने गए थे। वहाँ से प्रधानमंत्री सम्मान निधि के फॉर्म कलेक्ट करके वापस जब ग्राम पंचायत लौट रहे थे, उस समय किराना की दुकान खोले कृष्ण प्रताप सिंह हैं, उनने हमको गाड़ी से रोका और गाली दे के सीधा हमें उठा के मारपीट करने लगे और मोबाइल छुड़ा के फेंक दिया हमारा। थाने में रिपोर्ट की आप लोगों ने? हाँ, थाने में रिपोर्ट कर दी है। हम कलेक्टर और SP सर को आवेदन दे रहे हैं। इस तरह आए दिन हर पंचायतों में घटनाएं होती हैं, तो हमारा ये इसके लिए शासन प्रशासन अगर किसी के ऊपर अच्छे से कार्रवाई करेगी तब कर्मचारी सुरक्षित रहेगा। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूँ विनोद मिसाई। देख लेते हैं आज की इस खास खबर को। यह खबर है कि छतरपुर के जिला पंचायत कार्यालय में मंगलवार के दिन जनसुनवाई के दिन लोगों को शिकायत आवेदन देने को लेकर लाइन लगी रहती है, लेकिन कुछ तस्वीर हम आपको दिखा दें पूरी इस खबर के माध्यम से कि कुछ ऐसे लोग हैं जो लाइन में भी खड़े नहीं हो पाते हैं। यह एक वृद्ध महिला है और एक यह वृद्ध व्यक्ति है जो ट्राई साइकिल और बैटरी वाली साइकिल की मांग को लेकर लाइन में खड़े रहे, तो कलेक्टर के द्वारा जब यह आवेदन दे रहे थे तभी उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि इनको जल्द ही साइकिल दिला दी जाएगी। यह हरलाल श्यामरा के रहने वाला है, तो वहीं एक वृद्ध महिला के द्वारा भी मांग की गई कि ट्राई साइकिल दी जाए। ये साइकिल के बाबत में बैटरी वाली गाड़ी और पेंशन बढ़वाने के बाद बस कहाँ पर आए थे, क्या मांग की आपने? अभी आवेदन दिए नहीं है, देना है कलेक्टर साहब। क्या बोल रहे हैं, क्या क्या है आपकी मांग? क्या है मांग? पेंशन बढ़वाना है और साइकिल चाहिए, बैटरी वाली गाड़ी चाहिए। निकलाना साहब, हाथ गोड़े कटे उनके बहुत परेशानी उठा जाए। आपकी कौन है? है आपकी कौन है? माता जी। गाड़ी ला के लाने आए साहब, गाड़ी चाहिए। हाँ साहब। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवेंद्र शुक्ला। कांग्रेस सरकार में अधिकारी इस कदर तानाशाही प्रवृत्ति अपना रहे हैं जिसका एक उदाहरण जन सुनवाई के दिन देखने को मिला। दरअसल यहां पर एक दिव्यांग किसान अपनी समस्या को लेकर आया था, लेकिन कलेक्टर मोहित बुंदस द्वारा उसे मानसिक आरोग्य शाला ग्वालियर भेजा जा रहा है जिससे कि उसकी जांच की जाए कि कहीं वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त तो नहीं है। एक किसान पिछले 15 वर्षों से अपनी ही जमीन पर काबिज नहीं हो पा रहा है। तहसील न्यायालय के आदेश के बाद भी दबंगों के कब्जे में फंसी उसकी जमीन को जब पुलिस खाली नहीं करा पाई तो वो किसान कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचा। दिव्यांग किसान शंकर पटेल निवासी देवगांव थाना बमीठा ने जब कलेक्टर को जनसुनवाई में शिकायती पत्र देकर यह लिख दिया कि अगर जमीन नहीं मिली तो उसका पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा, कलेक्टर मोहित बुंदस इस बात से भड़क गए और उन्होंने किसान को ही मानसिक रोगी समझकर उसे जिला अस्पताल पहुंचा दिया। हालांकि जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड की एक टीम ने शंकर पटेल का मेडिकल परीक्षण किया जिसमें वह पूरी तरीके से स्वस्थ पाया गया, लेकिन चूंकि निर्देश कलेक्टर का था इसलिए किसान को मनोवैज्ञानिक की सलाह लेने के लिए जबरन ही ग्वालियर भेजा जा रहा है, यानी कि उसे जानबूझकर मानसिक तौर पर विक्षिप्त करार देने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि प्रशासन एक किसान को न्याय दिलाने में खुद भी सक्षम नहीं हो पा रहा है, पंग हो गया है, इसलिए सामने वाले पर ही आरोप जड़ना ज्यादा मुनासिब समझा। बुलेटिन के समय तक कोतवाली पुलिस किसान को कोतवाली में ही बिठाए रही और इसके अलावा मीडिया कर्मियों को भी इस मामले का कवरेज करने के लिए मना किया गया। हम कलेक्टर साहब को आवेदन दे आए थे कि हमारी जमीन पर कब्जा नहीं छूट रहा, तो हमने साहब पिलाने
कब जाते हुए आदमी खिलाने गए तो उन्हें कब भेज रहे। हम उस जगह का विवाद चल रहा है तो 15 साल से हो गए, तो अभी कहते रहे अब उन्हें एकदम से करा नहीं देते। 2-3 बार तो तहसील हुआ है, हम तो कोई नहीं सुना है, पुलिस नहीं आती है, थाने भी जाते रिपोर्ट डाली सब चीज़ें। हमारे जोतने गए तो भी मारने की धमकी दी उन्हें, कैसे आ गए थे 5-6 लड़के अकेले, हमने ट्रैक्टर लिया हो। आज कलेक्ट्रेट में नाम बताया शंकर प्रसाद पटेल आए थे, तो उन्हें पता नहीं है कि क्या आवेदन लिखा कि क्या कहा, हमको पता नहीं है। और बस में ले गया, कह रहे गोवागिल भेज दिए हैं। कौन ले गया? अब यही पुलिस वाले ले, हमको पता नहीं है, साथ में हमको बात ही नहीं करने दिए। कुछ होता है को बताओ, आप ही बताओ को जिम्मेदार है। कैसी ले गए बिना बताए? हमसे कुछ बात ही नहीं की है कि को ले गया को नहीं ले गया। हाँ उठा के ले गए, हमको बात ही नहीं करने दिया। हमने नहीं, हम तो बेटी आई साहब हुई है जो कहो कलेक्टर साहब, जो कहो कलेक्टर साहब ने लिख के दी। हाँ लिख के ऐसा गए थे सब ऐसे कि हमारा फैसला कराओ नहीं तो हम आए। हाँ नया कहे कुछ नहीं होगा, और बस एक कैसे ही लगा दिया उन्होंने। आज एक कलेक्टर के यहाँ, कोई कलेक्टर साहब के यहाँ गया था जनसुनवाई में, वहाँ से SDM साहब लेके उसके सत्ता लेके एक मरीज लेके आए थे, उसके साथ कुछ प्रोफार्मा था, कागज थे। ये कहना था कि ये मरीज ने कलेक्टर साहब को आत्महत्या करने के लिए अनुमति मांगी है, तो उसके लिए कलेक्टर साहब को निर्देश थे कि इसका मेडिकल कराया जाए, अगर ये आदमी कैसा है, मेंटली सही है कि नहीं है, प्रॉपर है। उसके लिए वो आए थे, SDM साहब आए थे, डॉक्टर चौरासी आए थे जनसुनवाई में जो गए थे, और उस व्यक्ति को लेके आए थे। उसका हमने मेडिकल परीक्षण कराया, उसकी MLC भी कराई और मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराया। मेडिकल परीक्षण में हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर NP गुप्ता ने बताया यहाँ कोई साइकेट्रिस्ट नहीं है, तो साइकेट्रिस्ट के ओपिनियन के लिए ग्वालियर जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो मरीज नॉर्मल है, कॉन्शियस है, ठीक से बात कर रहा है, सब प्रकार से ठीक दिखता है, लेकिन ओपिनियन के लिए उन्होंने ग्वालियर के लिए बोला है। हमारे पास तो वो व्यक्ति स्वयं था, चूँकि मरीज तो नहीं कह सकते, उसका व्यक्ति स्वयं था और सब कॉलेजी थे, चौरसिया जी थे, फिर वहाँ पर TI साहब आए और TI साहब के साथ 2-3 पुलिस वाले और आए। तो पुलिस उसको क्या ग्वालियर ले गई? पुलिस हमारे पास से वो मेडिकल तो ले गई, मेरे ख्याल से पुलिस ले गई होगी ग्वालियर, या ले जाएगी, इसकी जानकारी हमको नहीं। गौरतलब है कि किसान शंकर पटेल विकलांग है और लगभग 4.450 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में उसके नाम पर दर्ज है। इस जमीन पर शिवचरण स्वामीदीन, पुष्पा देवी राजनगर एवं पप्पू सोनी निवासी बमीठा, अच्छेलाल रामप्रसाद हरलाल समस्त निवासी ग्राम टुटका के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। मामला नायब तहसीलदार राजनगर के न्यायालय में भी चला, जहाँ तहसीलदार ने उस भूमि पर सभी कब्जेदारों को हटाने का निर्देश भी जारी कर दिया और तहसीलदार ने 5 जुलाई 2019 को बमीठा TI को निर्देश किया कि किसान की जमीन के कब्जे को हटाया जाए। उसके बावजूद TI भी उसकी जमीन से कब्जा नहीं हटा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब परिवार को भूखों मरने की नौबत आई तो उसने परिवार सहित आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। बिजावर में डाकखाने चौराहे पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल यहां पर एक पुराना तेंदुपत्ता का जर्जर गोदाम है, जिसमें अचानक आग लग जाने की वजह से वहां रखा तेंदुपत्ता धू धू करके जलने लगा। आसपास रिहायशी इलाका है, लेकिन जैसे ही धुआं निकलते लोगों ने देखा, तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी और लगभग 8 गाड़ी पानी से यहाँ की आग को बुझाया गया। बताया जा रहा है कि कंपनी कॉलोनी में डाकखाना चौराहे के पास सैकड़ों वर्षों पुराना एक जर्जर भवन है, जिसमें 2017 का तेंदुपत्ता रखा हुआ था। दीवारें जर्जर हो चुकी हैं और शाम ढलते ही असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है। कुछ ऐसा ही यहां पर हुआ, लोग शराब पीने आए और उसके बाद सिगरेट और बीड़ी यहां पर फेंक दी और उसी ने चिंगारी का काम किया, जो बाद में बड़ी आग में तब्दील हो गई। ये मेरा पत्ता यहाँ सीजन वर्ष 2017 का इस गोदाम में मेरा माल रखा हुआ था जी। तो 17 बाग माल में बेचता रहा, निकलता रहा मेरा, कुछ थोड़ा सा माल मेरा बचा था 500-600 बोरा यहाँ पे, माने बोरा करीब लगभग लास्ट में, तो उसको यहाँ पे गोदाम में पड़ा था। तो बरसात के कारण कुछ वो गोदाम बहुत जर्जर है, पुराना गोदाम है ये, तो उसमें साइड में कहीं से 2 सुराख हो गए थे, वहाँ 2 बियर की बोतल पड़ी है और नमकीन वगैरह कोई, तो कोई यहाँ शाम को कोई खाता पीता रहा और उसने सिगरेट धोखे से डाल दी होगी, या जानबूझ के भी डाल सकता है, कह नहीं सकते इस बात के लिए अपन, लेकिन कुल मिला के अपना काफी बड़ा नुकसान हो गया, सारा तेंदुपत्ता मेरा जल के खाक हो गया। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूँ शिवेंद्र शुक्ला। बक्सवाहा में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर
बड़ी संख्या में शिष्यों ने अपने गुरु का आशीर्वाद लिया। इतनी संख्या में शिष्य यहाँ पर पहुंचे कि लगभग एकड़ का मैदान भी उनके सामने छोटा पड़ गया। ठाकुर गोरेलाल जी कुंज के महंत किशोर दास महाराज के शिष्य लगभग 20 एकड़ में फैले मंडी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में आशीर्वाद लेने पहुंचे। लाखों की संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालु की वजह से ये इतना बड़ा प्रांगण भी छोटा लगने लगा। लगभग 2 माह पहले से इसकी तैयारियां यहां पर चल रही थी। लोगों ने गुरुओं का आशीर्वाद लिया। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। हनुमान टोरिया के पीछे निवास करने वाले अरविंद रेगवार के घर में घुसकर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा छुरेबाजी की गई थी और लाठियों से मारा गया था। इसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपियों पर मामला तो दर्ज किया गया, लेकिन मामूली मारपीट की धाराओं पर मामला दर्ज करने के बाद परिवारजनों ने पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि इन असामाजिक तत्वों पर और भी कड़ी धाराएं लगाई जाएं। दरअसल अरविंद रेकवार को जो चोटें आई हैं उनमें छोरेबाजी की वजह से 5-7 टांके आए हुए हैं और इसके अलावा उसकी मां के साथ भी मारपीट की गई है। ये मामला है, हमारे घर पे कोई नहीं था। मम्मी थी, भाभी थी, भैया थी, 3 लोग थे। हम लोग कोई घर में नहीं थी। घर में गेट तोड़ के वो अंदर आए हैंगे। भैया आंगन में तो उनको मारा है, बहुत ज़्यादा मारा है। उनके हाथ में भी चोट है, पैर में भी चोट है, गाल में भी पूरा गाल कटा है। किन लोगों ने मारा है? ये भुप्पू, हरिचंद, गट्टा, राजू। कैसे मारा था इन लोगों ने? डंडे से भी मारा, सब्बल भी थी और छुरी भी थी इनके हाथ में। माने हाथ जो पूरे कट चुके हैं, गाल भी पूरे कट चुके हैं उनके। सिटी थाने में शिकायत की कोतवाल में। तो क्या कार्रवाई की गई? जी कार्रवाई करी है, कम धारा लगाई हमने। आज हम एफसी सब पास आए हैं, एफसी बंगला आए हैं। अब वो बोले हम कार्रवाई करें। हमारे घर में झगड़ा हुआ है, हमारे पति और हम, हमारी सास, हम लोग अंदर आते तो गेट भी लगे थे हमारे, अंदर से सटा लगी थी। वो लोग इतने सारे लोग आए हैं, 10-15 जने आते और उन्हें ऐसा कुछ मारा हमारे गेटों में कि अंदर की जो कुंडी है वो टेढ़ी हो गई। तो अचानक गेट खुल गए और बस वो सीधे गए हमारे आंगन में। हमारे पति खड़े थे तो उन्होंने इतना मारा कि वो गिर गए नीचे। छुरा से मारा ऐसा। हम भागे, हमारी सास भागी बचाने के लिए, तो हमारी सास को भी खूब डंडों से मारा है। हमको भी धक्का दे दिया था, हमारे पेट में बच्चा भी, हम गिर गए। मुझे इतनी दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। किन लोगों ने मारा, क्या नाम है उनका? हरिचरण, भुप्पू, राजू, गट्टा। कहाँ रहते हैं ये? हमारे पड़ोस में रहते हैं। छुरा लगा है यहाँ पे, उन्होंने ऐसा मारने के लिए कहा तो मेरे पति ने ऐसे बचाया हाथों से, तो दोनों हाथ कट गए बिल्कुल। ऐसे टांके आए हुए हैं खूब और यहाँ पे लग गया है पूरा। तो यहाँ से बहुत सारे टांके आए हुए हैं, पाँव में लगी है। हाँ, हमने सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हैंगे वो। वहाँ कोतवाली गए थे हम लोग, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। अब हम एसपी वापस आए हैंगे। क्या कहा उन्होंने? हम ये चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सख्त उनके पर कार्रवाई की जाए। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर पत्रकार कल्याण परिषद द्वारा कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि कांग्रेस द्वारा चुनाव के समय पर अपने वचन पत्र में भी इस बात का जिक्र किया गया था कि पत्रकारों के कल्याण और उनकी सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाए जाएंगे, जिसको लेकर पत्रकार कल्याण परिषद द्वारा रामबाबू
परिहार के नेतृत्व में पत्रकारों द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। पत्रकार कल्याण परिषद की ओर से पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन दिए गए सभी कलेक्टरों के लिए मुख्यमंत्री के नाम कि पत्रकार कल्याण पत्रकार सुरक्षा कानून लागू की जाए। पूर्व में भी शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी थे तो हमारे संगठन ने सीएम हाउस को घेराव किया था और मांग की थी, लेकिन उन्होंने मांग नहीं मानी। तो इसके बाद दो पुनः कार्यक्रम हुआ, दिग्विजय सिंह आए थे कार्यक्रम में, सुरेश पचौरी जी माननीय आए थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इस कानून को तुरंत लागू करेंगे। इसलिए आज ये ज्ञापन पूरे प्रदेश में दिया गया है और ये इसके माध्यम से संगठन सीएम से मिलेंगे और चर्चा करेंगे।